1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 राम राम जी। मैं करताज सिंह आप लोगों के लिए बहुत सिंपल एक्सरसाइजेस लेकर आया हूँ। बहुत से ऐसी फीमेल्स हैं जिनको अर्थराइटिस के प्रॉब्लम है या सी सेक्शन की वजह से या किसी बेसिक ऑपरेशन की वजह से या किसी मेजर ऑपरेशन की वजह से वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, बट उनको भी वेट रिड्यूस करना है। बहुत सारी बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं बॉडी में, बैक पेन होने की वजह से भी बहुत सारे लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते या वेट इतना ज्यादा हो जाता है, थाइस फैट इतना ज्यादा हो जाता है कि ज्यादा हैवी वर्कआउट नहीं कर पाते, ज्यादा करते हैं तो घुटनों में दर्द या इधर उधर हो जाता है। तो उनके लिए बहुत सिंपल 5 एक्सरसाइज लेकर आया हूँ, 5 एक्सरसाइजेस सबसे बेस्ट, वेरी इफेक्टिव। आप चाहो तो इन एक्सरसाइजेस को करके आराम से वेट भी रिड्यूस कर लोगे, आप पूरा कंप्लीट फैट रिड्यूस कर लोगे, बस विदाउट एनी जंपिंग, बिना किसी जंप के आप आराम से घर पे ही एक्सरसाइजेस करो, 100% आपका वेट भी रिड्यूस होगा, फैट भी रिड्यूस होगा। बट डेली करने से होगा, एक दिन दो दिन चार दिन करके सोचो कि रिजल्ट नहीं आ रहा और फिर छोड़ दोगे वो गलत है। तो आपको डेली करना होगा, अच्छे से प्रॉपर वर्कआउट करना होगा, अच्छे से इस तरह से स्ट्रेच करके वार्म अप करना होगा बॉडी को, ठीक है। तमाम थोड़ा सा पीछे आओ सारे, वेरी गुड। इस तरह से सबसे पहले वार्म अप करना है किसी को प्रॉपर अच्छे से हाथ चलाते हुए, करो हाथ चलाओ प्रॉपर, वेरी गुड। पूरा हाथ चलाना है, पूरे पांव उठाना है, प्रॉपर बॉडी को वार्म अप करना है अपनी बॉडी की सहूलियत के हिसाब से, जैसे आप चला सको, ज्यादा आपको फोर्स नहीं लगाना है, ठीक है। अभी आप थोड़े से कर पाओगे, फिर धीरे धीरे आप और ज्यादा अच्छे से स्ट्रेच कर पाओगे। कोशिश करो हाथों को बिल्कुल ऊपर लेके जाना है, घुटनों को जितना ऊपर कर सको इतना, ठीक है। कम ऑन नाउ, रिलैक्स हियर। ये वाले आप एक्सरसाइज कम से कम इसके 2-2 मिनट के 4 या 5 सेट करेंगे। शुरुआत आप ज्यादा से ज्यादा 1-1 मिनट का कर सकते हो, 1-1 मिनट के 5 सेट, फिर उसके बाद 10 सेकंड का या 15 सेकंड का रेस्ट, फिर उसके बाद कंटिन्यू इस तरह से 5 सेट करेंगे। कम ऑन, सेकंड एक्सरसाइज बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, जस्ट नॉर्मल टैप। दोनों हाथों को इस तरह से कंधे के बराबर खोलेंगे और कंधों को और पांव को भी दोनों कंधों के बराबर इस तरह खोल के और ऐसा नॉर्मल जस्ट टैप करना है, नॉर्मल जस्ट टैप करना है। और कोशिश करना है कम से कम नेवल तक इस तरह से अपने नाभि तक यहां तक उठा के लाके टैप करना है। कमान करके दिखाओ एक बार सारे, कमान 1 2 1 2 1 2 1 2। जब आप इस तरह से टैप कर रहे होंगे, जब आप इस तरह से टैप कर रहे होंगे तो आपका थाइस का फैट देखिए, जब आप इस तरह से टैप कर रहे होंगे प्रॉपर आपका थाइस, हिप्स और आपका बेली फैट पे भी असर हो रहा होगा और आपका कैलोरीज अच्छे से बर्न हो रही होगी। आप जितनी स्पीड में कर सकते, मैं ये नहीं कह रहा बहुत ही फास्ट करो, बट यस जितनी स्पीड में कर सको आराम से उतनी स्पीड तक इसको ले जाने की कोशिश करो, ठीक है। और इसको आप 35-35 यानी कि दोनों पाओ के 35-35 के 5 सेट करेंगे, 35-35 दैट मीन 70 का 1 सेट। इस तरह से आप इसके 5 सेट करेंगे। शुरुआत में आप इसके 3 सेट कर सकते हो, 3 सेट के बाद धीरे धीरे अपने इंक्रीज करते करते आप इसको 5 सेट तक लेके जाएंगे। नाउ रिलैक्स, थोड़ा पीछे आओ, वेरी गुड। ये हो गई आपकी सेकंड एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज थोड़ी सी और इफेक्टिव है, उससे आपका थाइस का फैट और अच्छे से जल्दी जाएगा और आपका बेली फैट भी थोड़ा सा टाइट होगा और जल्दी जल्दी इसमें स्ट्रेच आने की वजह से खत्म होगा। तो कैसे करेंगे, देखो डाइट भी बताऊंगा मैं आपको, डाइट भी बताऊंगा कि डाइट क्या लेनी है, आपका फैट कैसे कम होएगा, आपको किस तरह से डाइट मेंटेन करके रखनी है वो लास्ट में बताऊंगा। प्रॉपर अच्छे से देखते रहिए, लास्ट वाली एक्सरसाइज बहुत इफेक्टिव होगी जो आपके चेस्ट मसल्स को भी अच्छे से स्ट्रेच करेगी। बट प्लीज पहले ये वाली एक्सरसाइजेस करिएगा, लास्ट में वाली एक्सरसाइज करेंगे। कमान सेकंड एक्सरसाइज कैसे होगी, दोनों हाथों को इस तरह से बांध लेंगे यहाँ पर, ठीक है। आप बांध भी सकते हो, खुला भी रख सकते हो और आप नॉर्मल बस ऐसे टैप करते हुए साइज को स्ट्रेच करना है, ठीक है। कमान कैसे करेंगे एक बार करके दिखाओ, कमान 3 पहले पांव खोलो, कमान पांव को खोलो शोल्डर के बराबर, देखो पांव को खोलेंगे शोल्डर के बराबर, पांव को ऐसे खोल लो सारे, कमान 3 ये वाला पांव उठाएंगे, 3 2 पहले सीधे पांव से शुरू करते हैं सारे, कमान 1 2 3 4 5 6 7 8 बोथ लेग्स 70 दैट मीन्स 35 35 35 राइट 35 लेफ्ट दैट मीन्स टोटल 70 का 1 सेट। आप शुरुआत इसको 35 35 से ही करेंगे, उससे कम करने में कोई फायदा नहीं है। 35-35 के आप भले 2 सेट शुरू करो, आप धीरे धीरे 3 सेट पे भी आ जाओगे और करते करते इसको 5 सेट तक लेके जाओ। आपको कम से कम आधा घंटा तो अपनी बॉडी को देना ही होगा अगर आपको फिट हो रहा है। अगर आप आधा पौना घंटा भी लाइक 30 मिनट्स 45 मिनट्स अगर नहीं दे सकते तो आप कैसे फिट हो गए। आपको वेट भी कम करना है, आपको फैट भी कम करना है, बट आप बॉडी को आधा घंटा 1 घंटा भी नहीं दे सकते, फिर तो आप भूल जाओगे आपका फैट कम होगा या आपका वेट कम होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता अगर आप इतना टाइम भी अपनी बॉडी को नहीं दे सकते तो, ठीक है। ओके नाउ रिलैक्स। तो जैसे कि मैंने बताया अभी तक ये 3 एक्सरसाइजेस बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज हैं। आप चाहो तो इसको थोड़ा धीरे परफॉर्म कर सकते हो, आपकी सबसे बेस्ट स्पीड तो ये होगी, अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा सा फास्ट भी कर सकते हो, ठीक है।
चलो अभी फोर्थ एक्सरसाइज बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, लाइक सब देखते होंगे जंपिंग जैक्स, जंपिंग जैक सब देखते हैं, जंपिंग जैक करना, इससे बहुत जल्दी फैट घटेगा, वेट घटेगा, राइट। देखो क्या होता है, जब नॉर्मली पाँव को स्ट्रेच कर रहे होते हैं तो आपके इनर थाइस, आपके हिप्स और आपके, जब इस तरह से स्ट्रेच करके क्लैप कर रहे होते हैं तो आपके अपर बैक और पूरी बॉडी की अच्छे से कैलोरी बर्न होती है, बट आपका वेट ज्यादा, आपके प्रॉब्लम ज्यादा होने की वजह से आप नहीं कर पाते हो। तो मैं आपको बहुत बेस्ट ऑप्शन देता हूँ, सेकंड ऑप्शन जंपिंग जैक का, सेम उतना इफेक्टिव है। तो कैसे करेंगे भाई, प्रॉपर करके दिखाओ। देखो एक तरफ आएंगे और क्लैप करेंगे ऊपर पूरे ले जाएंगे, कमान 3 2 1 इस साइड, कमान राइट साइड 1 1 2 2 सी दिस 1 1 2 2 3 3 कमान 4 4 5 5 6 6 7 7 देखो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपका क्या स्टेमिना है, आपकी क्या प्रॉब्लम्स है, उनको थोड़ा ध्यान रखते हुए इसकी स्पीड पे थोड़ा सा मेंटेन करेंगे। बट यस प्लीज करेंगे जरूर, आप चाहे थोड़ा धीरे कर लो, मुझे इससे फर्क नहीं है, बट यस बॉडी पर फर्क पड़ेगा जितना आप धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाओगे। इस तरह से नहीं करेंगे कि बॉडी में कुछ हार्म हो जाए, कुछ बॉडी में प्रॉब्लम्स हो जाए। कमान स्टॉप नाउ, स्टॉप 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 एवरीवन, कमान स्टॉप सी दिस। देखो लिसन, जब आप कर रहे हो कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो और गलत तरीके से कर रहे हो तो उसके बहुत गलत इंपैक्ट होते हैं आपके बॉडी के ऊपर, तो प्लीज बहुत केयरफुली करेंगे। देखो बहुत आराम से, बहुत आराम से, देखो आराम से पाँव खुला और ऐसे जाके क्लैप करा, ठीक है, फिर पाँव खुला फिर ऊपर जाके क्लैप करा, बहुत सिंपल है, इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, अगर कॉम्प्लिकेटेड करोगे तो आपको फिर नुकसान भी होगा, तो इसलिए प्लीज केयरफुली करेंगे। कैसे करेंगे देखो, 1 down 2 down 1 down 3 down 4 down 5 down 6 down 7 down 8 down 9 down 10 down 11 down 13 down 14 down 15 down 16 down 17 down 18 down। इस तरीके से बहुत इजी है ना, देखने में इजी लग रही है, यस करने में उतनी इजी है बट इफेक्टिव है। डेली करेंगे 100% आपका फैट भी रिड्यूस होगा और वेट भी रिड्यूस होगा। नाउ स्टॉप एवरीवन, और सेम वही मैं फिर से कहूंगा, 25 इस वाले एक्सरसाइज का 25 25 25 25 के 3 सेट्स करेंगे शुरुआत में, अगर आप शुरू कर रहे हो और कर सकते हो तो 35 35 के 5 सेट तक ले जाने की कोशिश करनी है, ठीक है। चलो अभी आपको लास्ट वर्कआउट बताता हूँ, आपका चेस्ट फैट बहुत बुरा लगता है ना, ये वाला फैट पूरा बल्जी, पूरा शैगी लेग, पूरा ये वाला बहुत बुरा लगता है, कपड़े भी बुरे लगते हैं। चलो अभी देखो कैसे करेंगे प्रॉपर, कमान स्प्रेड योर लेग्स, पाँव इस तरह से खोलेंगे और इस तरह से दोनों हाथ आगे रखेंगे, ठीक है। और देखो बहुत सिंपल है, ऐसे पीछे की करोगे तो थाइस का फैट भी कम होगा, पॉसिबल है तो करना, अगर दर्द होता है नी पेन की वजह से तो मत करना, ठीक है। तो अगर कर सकते हो तो सबसे बेस्ट है, आपकी नीज को भी धीरे धीरे इंप्रूव करेगा नी पेन को। तो कैसे करेंगे बार देख लो, 1 2 कैसे एक बार फिर से देखो, दोनों हाथ आगे रखेंगे, कमान एक बार ट्राई करके देखो सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 चेस्ट को पूरा स्ट्रेच करना है, ऐसे ये वाला प्रोपोर्शन है ना, इसको अच्छे से पूरा स्ट्रेच करना है और आगे आगे क्लैप करना है, हल्का सा एल्बो को ऐसे फोल्ड कर लेंगे तब प्रॉपर से स्ट्रेच हो पाएगा। तो प्लीज करेंगे अच्छे से, करेंगे करोगे ना, करोगे तो असर होगा, नहीं करोगे तो कैसे असर होगा। तो इसको भी आप देखो, एक साइड जाएंगे फिर लेफ्ट साइड, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, यस आई नो आप बहुत अच्छे से एक एक्सरसाइज कर सकते हो, बिना जंपिंग की एक्सरसाइज है आप डेफिनेटली कर सकते हो, चाहे किसी भी तरह की प्रॉब्लम से आपको, बट करने से होगा, मेरा स्लोगन यही है, करने से होगा, नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो प्लीज करो, और अब मैं आपको डाइट के बारे में और बता दूं, करते रहो प्लीज। एक चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये खाने में प्लीज मीठे को थोड़ा सा कंट्रोल कर रखेंगे, गर्मी आ गई है ना, गर्मी आ गई, आप चाहो तो इसी में अपना फैट और वेट रिड्यूस करेंगे, आप बहुत आसानी से रिड्यूस कर सकते हो। बस एक चीज का ध्यान रखेंगे, मैदा और मीठा और ज्यादा नमक, इन तीन चीजों को अवॉइड कर लो, सिर्फ इन तीन चीजों को ये 3 महीने अवॉइड कर लो, 100% आपका वेट भी रिड्यूस होगा, फैट भी रिड्यूस होगा, आपके थायराइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स भी खत्म होगी, और 3 से 4 लीटर मिनिमम 4 लीटर पानी तो एक दिन का रख लो कि वो फिनिश करना है, आप जार में रख लो, बैग में रख लो, लाइक किसी भी चीज में आपके बोतल में रख लो, जो आपको ठीक लगे उसमें रखो और अपना फिनिश करो, अपना एक लिमिट रखो कि आज 4 लीटर पानी पीना है, दैट मीन्स पीना है, तो 4 लीटर पानी आप बॉडी के अंदर दो कम से कम फ्रेश वाटर, उसके अलावा जो आप फ्रूट खाते हो या जो भी चीज लेते हो लिक्विड, तो उससे आपको काफी पानी पानी मिल जाता है। तो आप इन चीजों को थोड़ा सा मेंटेन कर रखोगे, 100% आपका वेट भी रिड्यूस होगा, आप फिट हो जाओगे,
इसी गर्मी के अंदर आप अपना वेट रिड्यूस कर सकते हो। नेक्स्ट गर्मी तक जाने की जरूरत नहीं है, इसी महीने में खत्म करके छोड़ दो। 3 महीने के अंदर आप आराम से वेट रिड्यूस कर दोगे। इसको मैं गोल्डन पीरियड कहता हूँ। अगर आप अभी नहीं कर पाए तो फिर आप कभी नहीं कर पाओगे। ठीक है, होप आप ये वाले एक्सरसाइजेज अच्छे से परफॉर्म करोगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। ठीक है, चलो, ओके, नाउ स्टॉप एवरीवन, रिलैक्स। होप आप इन लोगों के समझ में आ गया होगा कि किस तरह से एक्सरसाइजेस करनी है, किस तरह से अपने बॉडी पर थोड़ा ध्यान रखना है। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, किसी तरह से कॉम्प्लिकेटेड मत करना, बहुत सिंपली बताया है। इसी तरीके से जैसे मैंने बताया, इसी चीज को ऐसे फॉलो करना। इस वाली एक्सरसाइज के भी 25-25 के 3 सेट शुरू करेंगे और करते करते 25-25 से 35-35 के करते करते 5 सेट्स। हर किसी के 5 सेट मैं इसीलिए बताता हूँ कि ज्यादा एक्सरसाइज ना करके एक बेस्ट और इफेक्टिव एक्सरसाइज करो, ताकि पर्टिकुलर एक बॉडी पार्ट पे अच्छे से इम्पैक्ट हो। ठीक है, होप आप ये वाले एक्सरसाइज अच्छे से करोगे। ठीक है, चलो, आज के लिए इतना ही काफी है। और प्लीज डाइट पे थोड़ा सा मेंटेन करके रखना। अगर डाइट मेंटेन नहीं कर सकते, सच बता रहा हूँ, 50% आपका डाइट काम करती है, 50% आपका एक्सरसाइज और मेंटल लाइक सेटिंग काम करती है। अगर आप दिमाग से सेट हो कि करना है, तो मतलब आपको करना है। एक दिन की भी स्किप करोगे, दैट मीन्स आपने पिछली जो एक्सरसाइज करी है वो बिल्कुल फिनिश। तो डेली वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। चलो, ओके जी, इतने ही काफी आज के लिए। राम राम।